हेलो गाइस, माय नेम इज अंशुन। आपका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। भाई निकल चुके हैं थोड़ा लंबा, मतलब लंबा तो नहीं ज़्यादा, लेकिन बस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा आगे बताता हूँ मैं आपको। अभी मैं जल्दी में हूँ, बिकॉज जल्दी से पहुँचना है ताज के पास, वहाँ हमें मिलेगा आशीष। और टाइम हो चुका है भाई 1:16, थोड़ा सा मैं लेट हूँ। मैं क्या, हम लोग लेट हो गए यार। 2 बजे हमें पहुँचना है मेरे ओल्ड वाले स्कूल, जहाँ मैं पहले पढ़ता था, न्यू पब्लिक कॉलेज में नीलमथे में जब रहते थे तो भाई वहाँ पढ़ा था। तो वहाँ के दोस्त लोग भाई मिलने बोले थे। ये देखो अंकल जी, यह दौड़म भाग। तो आज जो है मैं जा रहा था भाई सम्राट के घर, बता ही देता हूँ भाई। तो सम्राट के घर जा रहा हूँ, तो भाई मैंने सोचा कि चलो उसी टाइम निकलना हो रहा है, तो वहाँ अपने दोस्तों से भी मिल लेंगे। तो 2 बजे स्कूल की छुट्टी होगी भाई, स्कूल की, तो 2 बजे मिलते हैं उन लोगों से। अभी 1:17 हो गया है और 5 मिनट में मैं ताज पहुंच जाऊंगा, फिर निकल चलेंगे। और लेट तो नहीं होंगे एज यूजुअल, बस क्योंकि हम लोग भाई जानते हो निकल जाएंगे शहीद पथ से एकदम झमझमाते हुए। तो पहुंचते हैं जल्दी ताज एंड फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस आशीष भाई आ चुका है अपना, ये देख सकते हो। और सैम भाई भी आने वाला था, बट यार मैं क्या बताऊँ, सैम के मतलब जहाँ रहता है वहाँ पे उनके जानने वाला किसी की डेथ हो गई यार, तो उस वजह से अचानक से उसका प्लान कैंसिल हो गया। वरना हम लोग का प्लान ये था कि भाई सम्राट के घर चलते हैं आज तीनों लोग, बट तीनों तो नहीं, अब 2 ही हो पाए क्योंकि मैं हूँ और आशीष है, बाकी सैम का भाई कैंसिल हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सैम जो है हम लोग का नेक्स्ट 3-4 दिन बाद जाएगा, जब भी मतलब हम लोग का प्लान होगा। और एक्चुअली हम लोग का शूट करने का प्लान है, तो इसलिए जा रहे हैं, बढ़िया शूट वूट करेंगे रील वगैरह का। वहाँ पे बढ़िया जानते हो खुला एरिया है, तो और गांव वाला वाइब है पूरा, गांव वाला वाइब क्या, गांव ही एक तरह से, वहाँ पे पूरा वो व्यू आता है, खेत वेत है सब कुछ। तो चलते हैं, और अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल न्यू पब्लिक कॉलेज, तो पहले वहाँ चलते हैं, वहाँ के दोस्त लोगों से मिला देता हूँ आपको एंड उसके बाद चलते हैं वहाँ पर। गाइस स्कूल हम पहुँचने वाले हैं, जस्ट 200 मीटर पे है, पुल चढ़ेंगे उतरेंगे बस आ गया स्कूल। और मतलब यार बड़े दिनों बाद, बड़े दिनों क्या, बड़े दो साल हो गए होंगे, 2-2.5 साल मिले नहीं है दोस्तों से, अब भाई मिलने जा रहे हैं। बहुत मतलब इमोशनली भी ऐसा लग रहा है कि इतने दिन बाद यार मिल रहे हैं, तो मिलते हैं यार, अच्छा तो लग रहा है कि हाँ चलो पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं भाई, मिलते हैं। और फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड थे, वो भी कुछ ही लोगों से, सबसे भी नहीं कनेक्टेड थे, बिकॉज जानते हो भाई एक बार स्कूल छूट जाता तो सबसे वो कनेक्शन छूट जाता है भाई। अरे कहाँ 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 कहाँ, तो यही सीन है। स्कूल तो आ गया हमारा, ये देखो आपको दिख रहा होगा न्यू पब्लिक कॉलेज लिखा हुआ है, बस यहीं पर बाइक पार्क करते हैं क्योंकि 2 बजे छुट्टी होगी। 1:47 हो चुका है, ऑलमोस्ट 13 मिनट और। वाओ यार मतलब वाइब फिर से वही आ गई, और इधर आ जाओ। तो गाइस दोस्तों से मिलना मिलाना तो हो गया है, और ये रहा स्कूल अपना। तो चलो भाई चले, वो दिखा नहीं पाया भाई इसलिए क्योंकि यार पता है किसी से मिल लो उसके सामने भाई कैमरा ऑन रखो तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो निकलते हैं अब यहाँ से, चलो भाई इधर से चलते हैं, वो शहीद पथ पकड़ लेंगे। चलो भाई। तो गाइस पहुंच गए हैं गोसाईगंज तिराहे के पास, और देख सकते हो यहाँ रोड हमेशा की तरह ख़राब ही है भाई। इस पर्टिकुलर एरिया की कभी रोड मैंने आज तक देखी नहीं, सही ख़राब ही रहती, पता नहीं क्या है। और इधर चलना हम लोग को राइट, और राइट लेके एकदम सीधा। देखो ये पैच है, यहाँ ईंटे के वो वैसे वाले ब्लॉक्स बिछाए हुए हैं भाई, मतलब पता नहीं किस तरीके से यहाँ बनाया गया है, सीमेंटेड रोड नहीं, वो वैसी रोड नहीं बना पा रहे थे। अरे भैया बोलने में भी वो हो रहा है, ओहो अब पेट्रोल पंप नहीं पड़ा यार रास्ते में, अब यहाँ पेट्रोल जलाना है तो आगे पेट्रोल पंप पे मिलते हैं गाइस। आखिर इतने सारे डाइवर्जन बना क्यों रखे हैं यार, निकलो भैया निकलो, पता नहीं क्यों लगाया हुआ है। आओ भैया जल्दी आओ, देख रहे फर्जी लगा रखे हैं यार कि है कुछ सामने, काम तो होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा, वोट ये पहले लगा दिए हैं बैरिकेडिंग। देखो ए कहाँ है, देखो
गांव वाली वाइब भी स्टार्ट हो गई गाइस। देख रहे हो ऐसा लग रहा है गांव आ गए, कौन से ही गांव में आ गए एकदम है। पूरा जैसे गांव में नहीं होते हैं रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं, अनूपगंज पश्चिम पड़ता है भाई ये आपको बता दें। अनूपगंज वो देखो रेलवे स्टेशन है, ये पड़ता है। चलो भैया सही है, यहाँ आ जाओ एकदम गांव वाली, पूरी यादें ताज़ा हो जाती हैं, मज़ा आती है। ये क्या हो गया गाइस, गिर गए क्या? अरे गिर गए लगता है, गिर गए। आंटी को पानी से मुंह धुला रहे हैं। चलो लगी तो नहीं है ज़्यादा, दिख तो नहीं रही कहीं लगी हुई। रोड ही ऐसा ख़राब है, देख रहे हो रोड नहीं बवासीर है, ख़राब है पूरा, क्या कर सकते हैं भाई। तो भैया मिल गए पेट्रोल पंप, हम लोग जो है उधर से आ रहे थे एकदम तेज़ी में निकले चले जा रहे थे, और एक ही ये पेट्रोल पंप मिला तो भाई यहीं डला ले रहे हैं, समझ रहे हो। कितने रुपये लीटर है यहाँ पे देख रहे हैं भाई, डलाना तो भाई है चाहे जितने को है। डालो भैया 94.57 का है, पहले ग्लव्स उतारो पैसा निकालो तब डलाओ। चलो भैया पेट्रोल तो पड़ गया है, और यहाँ पे मैंने कम ही डलवाया है 199 रुपये का। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैं भाई अपने यहाँ एक जानने वाली है, जानने वाली क्या है मतलब एक सर्टिफाइड है कि वहाँ पे सही पेट्रोल देते हैं, और यहाँ पे हमने समझ लिया कुछ तो हो रहा है गड़बड़, क्योंकि एक बार वो दबा रहे फिर दबा रहे दो तीन बार दबा दे रहे हैं, पेट्रोल तो मारा जा रहा है भाई यहाँ पे। मुझे सबसे बढ़िया लगती है भाई हजरतगंज में तलवार है, तलवार पेट्रोल टंकी, वहाँ जलाता हूँ भाई, एकदम सही देते हैं वो लोग, इसीलिए मैंने कम ही डलवाया। लखनऊ तो आराम से पहुँच जाएगी है। पड़ गया, तुमने 499 डलवाया है, कम लग रहा है ना, हम इसीलिए भाई कम डलवाएं। चेक करो घोटाला कर, जीरो किया था आधी टंकी। चलो ठीक है, भाई यहाँ गपला हुआ ही है। ठीक है, हम इसीलिए 199 डलाएं, क्योंकि हमें सबसे बढ़िया लगती है हजरतगंज में तलवार, सबसे बेस्ट भाई। तो भाई ये हम लोग मुड़ गए सम्राट के गांव के लिए, और ये है कुछ नदी, पहले भी देखे होंगे आप। कहाँ तक जाना है, हाथ दिया भाई ने, कहाँ तक जा रहे हो भाई, कहाँ जाना, कहाँ है? हम लोग यहीं तक जा रहे हैं भाई, अरे थोड़ा आगे तक, आगे तक नहीं तो ये पुल तक जाना है। चलो बैठ जाओ, भाइयों को बैठा लिया है, दो गाड़ियाँ थी हमारे पास, बैठा लिया धूप में, यार परेशान होते पैदल ही जाते, और हम लोग के पास भी भाई, हम लोग सिंगल ही तो थे, बैठा लिया किसी का हेल्प ही हो जाए भाई। नज़ारा चेक करो, खेत एकदम खेत खलियान, बढ़िया लगता है भाई इधर आके, और इधर आके एक हवा भी बदल जाती है, मतलब एक जो थोड़ा प्योर वाली हवा होती है वैसी वाली फील आ जाती है जो शहरों में नहीं मिल पाती भाई, वहाँ तो पॉल्यूशन ही है इतना ज़्यादा, और यहाँ पे बढ़िया लगता है कि हाँ कुछ ठंडी ठंडी और एकदम अच्छी हवा है, ऑक्सीजन अच्छा प्योर है। गाइस रोड के किनारे किनारे ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, मतलब दोनों साइड रोड के हैं, मतलब देखने बहुत खूबसूरत लग रहा भाई, देख रहे हो एकदम ऐसा लग रहा है रुई है, रुई की तरह होता ही है ये आई थिंक कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एक बार मेरे मामा ने मुझे बताया था कि कपड़े बनाने के यूज़ आता है ये, देखो कितना प्यारा है, कितना ही प्यारा है भाई, अच्छा लग रहा भाई। गाइस एकदम प्रॉपर गांव वाली रोड आ चुकी है, ये देखो खेत भाई,
किस चीज की खेती है वो नहीं पता मुझे, लेकिन ये देख लो भाई पूरा गांव वाली वाइब है, ऐसा लग रहा है मैं बरेली आ गया अपने गांव। अच्छा ऐसा ही लग रहा भाई जैसे मैं अपने बरेली मतलब अपने गांव आ गया हूँ। इतना बढ़िया जहाँ आओ भाई इतना भी यादें ताजा होती हैं और एकदम सुकून मिल जाता है आके। आते रहेंगे भाई अब जल्दी जल्दी। क्या हाल है, ये देखो गाइस क्या ही प्यारा व्यू है भाई ब्रिज से। और अभी हम लोग फिलहाल निकल गए थे शूटिंग के लिए। अब क्या हुआ, इधर भी कोई नहीं आ रहा था। घर पर लो या तो नीचे और अच्छी लोकेशन है, जहाँ अच्छी है वहाँ चलो। मैं तो कहता हूँ ये यहाँ पे कर लेते हैं, अगली बार का वहाँ रख लेते हैं। आगे क्या है मतलब, आगे मतलब बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी। तो चलो अभी यहाँ कर लो। सो गाइस हम लोग यहाँ पे शूटिंग के लिए लोकेशन ढूंढ चुके हैं, सम्राट को पता था तो यहाँ करते हैं नदी के किनारे, बढ़िया मज़ा तो आएगी गाइस। सो गाइस हो चुकी है शाम, देख सकते हो एकदम अंधेरा सा हो गया है और टाइम हो चुका है भाई 5:47। अब जानते हो यार ठंडियों के टाइम आ रहा तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग का शूट वगैरह हो चुका है। इतना खास शूट नहीं हुआ, बट फोटो दिखाई दो यार एक दो जो हम लोग की वो तफरी वाली दिखाना। नहीं तो फोटो इंस्टा पे देखेंगे ना। वो तो है लेकिन थोड़ा झलक दिखा दे, रील के लिए इंस्टा पे फॉलो कर। ये लोग आते नहीं इंस्टाग्राम पे भाई, इंस्टा पे फॉलो करो आशी इमॉर्टल राइडर। ये फोटोज ऐसी आने वाली, ये जरा चेक कर रहे हो गाइस, ऐसी ऐसी भाई स्टोरीज लगेंगी अभी, तो जाके फॉलो करो भाई इंस्टाग्राम पे अंशु मोटो ब्लॉग नाम से आईडी है, सेम जो यूट्यूब पे वही इंस्टा पे भी है, फॉलो करो। अभी यहाँ पे खाते पीते हैं भाई जंक फूड, उसके बाद निकलते हैं। तो भाई लोग हम लोग निकल लिए हैं अब यहाँ से, टाइम हो चुका है 6:22 और आप समझ सकते हो 6:22 पर ये हाल है कि मतलब पूरा अंधेरा हो चुका है। और यहाँ लिटरली बताऊँ जहाँ पे हम लोग खा रहे थे बैठ के, ऐसा फील हो रहा है रात के 12 बज रहे होंगे भाई, मतलब 11-12 बजे जो शहर में सन्नाटा होता है, एज यूजुअल तो सन्नाटा नहीं होता, बट एक बात बता रहे मतलब यहाँ इतना ज़्यादा सन्नाटा है क्योंकि गांव एरिया जानते हो यार, शाम होते ही तुरंत सब अंदर हो जाते हैं घर में हो जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घर, सम्राट निकल गया अपने घर वहाँ से और हम लोग इतना सीधा चलते हैं। बढ़िया शूट वूट कर लिए, शूट मतलब थोड़ा बहुत हो ही गया है, अंधेरा क्योंकि जल्दी हो गया इस वजह से ज़्यादा शूट तो नहीं हो पाया, बट कर लिया है थोड़ा बहुत तो, और बाकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो गई हैं। बस ये है यहाँ पे रात में थोड़ा सा देख के चलाना पड़ता है बिकॉज़ जानते हो यार दोनों तरफ घास जंगल है तो कोई भी जानवर निकल सकता है, या खड्डे वड्डे भी गांव की सड़कों में ज़्यादा होते हैं, तो यही सीन है। इधर से हम लोग आए थे तो यही सीन है, चलते हैं भाई फटाफट मेन रोड आ जाए तब आपसे बात करते हैं। सो गाइस आ चुके हैं मोटो जीपी रोड पे और वहाँ से निकला है भाई, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी था सब कुछ था, तो हमने सोचा वहाँ क्या ही ब्लॉग बनाएंगे, निकल आए आराम से। अब जा रहे हैं कहाँ, मानस को लेने, थोड़ा चाय वाय पियेंगे उसके बाद घर निकल जाएंगे। टाइम क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है, टाइम हुआ है 7:02 बस, समझ लो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, तो चाय वाय पी लेंगे। आशीष को लेट हो रहा है असल में क्योंकि उसको घर पे कुछ सामान लेके जाना था, तो आशीष निकल जाएगा वरना हम ही लोग चाय पी लिए होते। अरे भाई बैरिकेडिंग कितनी क्लोज लगाई हुई है, कार वार कैसे निकलेगी, यहाँ बाइक निकालने में वो हो गया भाई, पता नहीं क्या ये लोग करा करते हैं।
तो यही सीन है, बढ़िया एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड हवा चल रही है, हवा चल नहीं रही है, मौसम ही ऐसा है, गर्मी है क्योंकि ख़त्म हो गई भाई, अब ठंड स्टार्ट हो चुकी है, तो लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा ठंडा, लेकिन अच्छा लग रहा है। अभी वाली जो है ना, ये ना गर्म कपड़े पहनने वाली नहीं है, फिट ये है कि है, ये क्या हुआ भाई? अच्छा अच्छा अंकल को उधर जाना होगा, हल्का आगे आ गए होंगे, ठीक है समझ गया। तो चलते हैं मानस को लेते हैं, सिस्टम पे चाय पीते हैं और फिर सिस्टम ही सिस्टम करते हैं। सो गाइस टाइम हो चुका है 8:22 और भाई चाय पी लिए थे हम लोग मानस के साथ, मतलब हम लोग क्या मैं ही, क्योंकि आशीष तो चला ही गया था। तो अब भाई निकल रहे हैं घर, 8:30 तक घर पहुँच जाएंगे। बस यही था भाई आज का, अपना घूम फिर भी लिए और थोड़ा बहुत देख लिए, अपना शूट वगैरह भी निपटा लिए, थोड़ा ही तो खोल रखे हैं भाई हैं बाइक के लिए। तो यही था, और अभी सैम आज जा नहीं पाया, बट सैम को जो है लेके जाएंगे नेक्स्ट वीक, बिकॉज़ शूट उसको भी करना था, तो जाएंगे। और आज कुछ खास शूट हुआ भी नहीं, बिकॉज वहाँ पे लाइट मतलब सनसेट बहुत जल्दी हो गया था, तो यही सीन है। कोई बात नहीं, चलेंगे अब हर वीक ऐसा, मतलब एक डे फिक्स करेंगे जब वहाँ पे जाया करेंगे और बढ़िया शूट वूट करके आएंगे। तो चलो मिलते हैं बढ़िया से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना, बाय बाय।